गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट ए यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स 2। जैसे कि बेटा आपने पहले जो अभी तक आपने सिलेबस किया था यूनिट पार्ट ए का यूनिट 1 एंड 2 किया था हमने और पार्ट बी का यूनिट 1 किया था क्लास 10th। अब आपके एससीए एग्जाम हो गए हैं तो उसके बाद जो भी आपका थोड़ा सा सिलेबस था पेंडिंग मेरी तरफ से वो मैं आज आपको करवा रही हूँ। यूनिट 3 अभी एक बार हमने स्किप किया है तो हम पार्ट ए का यूनिट 4 कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स 2, जिसमें कि आपके पास एक चैप्टर है उसका नेम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा एंटरप्रेन्योर क्या होता है ना, फिर ही हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ सकेंगे। सबसे पहले तो वर्ड एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जस्ट लाइक मैनेजमेंट, किसी चीज को मैनेज करना होता है हम उसके लिए लगाते हैं जैसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हो मतलब उसको मैनेजमेंट बोला जाता है। हैज नो सिंगल मीनिंग और डेफिनेशन, इसका कोई सिंगल मीनिंग या डेफिनेशन नहीं है। एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु एस्टैब्लिशेस वंस ऑन बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। कहते ऐसा पर्सन जिसने खुद ने अपना बिजनेस सेटअप किया है किस इंटेंशन से, ताकि उसको प्रॉफिट हो बिजनेस में। इज एक्शन ओरिएंटेड, वो क्या होता है एक्शन ओरिएंटेड होता है, कोई भी एक्शन ले सकता है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। विलिंग टू टेक रिस्क, वो रिस्क लेने के लिए विलिंग होता है। एंड इज हाईली मोटिवेटेड, बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। अगर मोटिवेशन होगी तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं, अगर मोटिवेशन नहीं है तो वो बिजनेस को कैसे रन करेगा। इनोवेटिव मतलब नए नए आइडियाज लेके आता है बिजनेस को चलाने के लिए। रेज मनी, मनी को ग्रो अप करना बढ़ाना। प्रोवाइड कैपिटल, कैपिटल मतलब कैपिटल मनी यूज होती है बेटा बिजनेस को यूज करने के लिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए रुपीज नहीं है तो बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है, कैपिटल प्रोवाइड करता है। एंड सेट्स अप अ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को सेट करता है इसी बेस पे, ये सारी उसकी क्वालिटीज होती है। अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन्ड फीचर्स वी आर कंक्लूड दैट द एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल, एक ऐसा पर्सन होता है हु टेक्स रिस्क एंड स्टार्ट समथिंग न्यू, ऐसा पर्सन जो रिस्क लेता है और अपने काम को नए को स्टार्ट करता है। देयर आर फोर की एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के लिए चार चीजें जरूरी है बेटा जिसको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट इज विजन, टू आइडेंटिफाई न्यू एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज, ऐसा उसमें टैलेंट हो ताकि वो नई नई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सके अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उसका विजन तेज होना चाहिए। इनोवेशन, क्रिएटिव आइडियाज होने चाहिए अपने बिजनेस को नई जगह पे लेके जाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए क्रिएटिव आइडियाज। रिस्क बियरिंग, ऐसी मतलब उसकी माइंड की सिचुएशन ऐसी हो वो रिस्क को बियर कर सके, डरे ना रिस्क से। रिस्क होता है बिजनेस में, लॉस भी हो जाता है प्रॉफिट भी, तो रिस्क से घबराए ना, ऐसा पर्सन हो रिस्क बियरिंग। ऑर्गेनाइजिंग, हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करके चले। कलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नेसेसरी एंड वाइटल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जो उसको जरूरी है उसको कलेक्ट करे और कोऑर्डिनेट करे ताकि बिजनेस को रन आगे सक्सेसफुली कर सके। नाउ देयर इज अ बिट एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप का डिफरेंस है जो कि हम पढ़ते हैं क्या होता है। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर, अ पर्सन हु सेट्स अप हिज अ बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, ऐसा पर्सन जिसने अपना खुद चलाया है बिजनेस दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। An entrepreneur is someone who has an idea, ऐसा पर्सन जिसके पास आइडिया होता है, who works to create a product or service that people will buy, ऐसी चीज वो प्रोडक्ट बनाता है क्रिएट करता है और उसकी सर्विस देता है जिसको पीपल बाय करेंगे। बाय बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट दोस सेल्स, एक ऐसी कंपनी बनाता है ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स को हमारे तक पहुंचा सके और सेल कर सके। द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड एन एंटरप्राइज, जब ये कंपनी बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है उसको क्या कहा जाता है एंटरप्राइज। जैसे हम कई बार किसी का नेम सुनते हैं, किसी कंपनी का नेम होता है ना डैश एंड डैश सन्स एंटरप्राइज, डैश एंड डैश एंटरप्राइज, मतलब वो कंपनी के नेम है, तो एक कंपनी बन जाती है एंटरप्राइज का मतलब। इन अदर वर्ड्स एन एंटरप्रेन्योर इज द हु वन हु फाइंड्स एन अपॉर्चुनिटी एंड डिसाइड्स टू परस्यू इट्स रिगार्डलेस ऑफ द रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल, ऐसा पर्सन जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करता है और डिसाइड करता है कि मुझे आगे बढ़ना है और अपने काम को सक्सेसफुल करना है। ही शी सीज व्हाट कुड बी एंड फाइंड्स अ वे टू मेक इट हैपन,
ऐसे पर्सन ऐसा चीजें ढूंढते हैं जिससे उनका ये ड्रीम है जो सक्सेसफुल हो सके इवन इफ देयर इज नथिंग इन हैंड टू डू एट द करंट मोमेंट, चाहे उनके पास हाथ में कुछ भी ना हो बिजनेस करने के लिए, बट फिर भी वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा बिजनेस चलाने के लिए? एंटरप्रेन्योर चाहिए, मतलब एक पर्सन जो बिजनेस चलाएगा, जिसकी सोच यूज होगी। एंटरप्रेन्योरशिप उसको यूज करेगा अपनी थिंकिंग को, अपनी इनोवेशन को, अपने विजन को। प्रोसेस स्टार्ट होगी, जब ये स्टार्ट हो जाएगी तो आपके पास कंपनी बन जाएगी, जिसको कहा जाता है एंटरप्राइज, मतलब आउटकम, जो रिजल्ट निकल के आएगा आपको वो कंपनी के रूप में आएगा। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन व्हाइल एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, ये एक पर्सन है और एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है अंडरटेकन बाय द एंटरप्रेन्योर टू क्रिएट इंक्रीमेंटल वैल्यू एंड वेल्थ बाय डिस्कवरिंग न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑर्गेनाइजिंग एंटरप्राइज, अंडरटेकिंग रिस्क uncertainty and do something new in an effective manner to achieve certain goals. दोनों का relationship बताया बेटा entrepreneur और entrepreneurship का। entrepreneurship तभी possible है जब आपके पास entrepreneur होगा। ये undertaken by entrepreneur है। entrepreneur मतलब person, वैसा person जो अपनी wealth को discover करे, new opportunities को invest करे, organize करे अपनी company को, undertaking risk को handle करे। ऐसा पर्सन जो इन सब चीजों को हैंडल करेगा वही एंटरप्रेन्योरशिप बना सकता है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग बोला गया है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ वन हु ब्रिंग्स रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल एंड अदर एसेट्स इनटू कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस अ सोशली वायबल प्रोडक्ट एंड ऑल्सो वन हु इंट्रोड्यूस चेंज, इनोवेशन एंड न्यू ऑर्डर। कहते हैं इकोनॉमिस्ट अपने अकॉर्डिंग कहता है भी एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अलग अलग रिसोर्सेज को कलेक्ट करे, लेबर को कलेक्ट करे काम करने के लिए, मटेरियल कलेक्ट करे और जो भी चीज उसको जरूरी है वो सब कुछ कलेक्ट करे और ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिस प्रोडक्ट को अच्छे से सेल किया जा सके, उसमें चेंजेस हो, इनोवेशन हो, न्यू ऑर्डर हो, नई चीजें उसमें ऐड हो, वो होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डायनेमिक एक्टिविटी दैट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू ब्रिंग चेंजेस एंड इनोवेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? वो पर्सन को एक्टिविटी देता है ताकि वो उसमें चेंजेस लेके आए, अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाए। एंटरप्रेन्योरशिप कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड, एक फ्रेंच का वर्ड है बेटा एंटरप्रेन्योरी, विच मीन्स इंडिविजुअल्स हु आर अंडरटेकर्स, ऐसे पर्सन जो अंडरटेकर्स हैं, किसी चीज को हैंडल करते हैं, दोज हु टेक द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइज, ऐसे पर्सन जो नए बिजनेस की, नई कंपनी के लिए रिस्क लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, और उसको प्रोसेस करने वाली होती है एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप इज द आर्ट ऑफ जनरेटिंग इनोवेटिव आइडियाज। देखो हर जगह पे वही बात बोली गई है, नए आइडियाज को इनोवेट करने वाला, नए बिजनेस को चलाने वाला, नए प्रोडक्ट्स को बनाने वाला, उसी को ही घूम फिर के वही चीज एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है, जिसमें प्रॉफिट क्रिएट करता है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, वो पर्सन आइडिया जनरेट करता है मुझे क्या करना है लाइफ में। जर्मिनेशन मतलब उसकी स्टार्टिंग करता है, रिकॉग्नाइजेशन भी कैसे स्टार्ट होगी ये चीज, फिर उसकी वो प्रेपरेशन करता है, प्रेपरेशन मतलब कैसे कैसे मैं इस चीज को हैंडल करूंगा, फिर इंक्यूबिनेशन करता है मतलब कि इस चीज को प्रोसेस में लाने के लिए वो आगे स्टेप्स लेता है। फिजिबिलिटी स्टडी, उसके बारे में स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद इल्यूमिनेशन देन वेरिफिकेशन, सब कुछ रियलाइज करता है क्या क्या मेरे को मिल जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, फिर उसको वैलिडेट करके वेरिफिकेशन करता है ये प्रोसेस उसका डन हो गया है। जैसे ऊपर ये डायग्राम भी था आपका, डायग्राम में क्या था, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन जो अकेला रन करता है अपने बिजनेस को, और इम्प्लॉयज जो नौकरी करने वाले होते हैं, तो दोनों का जो रास्ता है वो अलग अलग दिखाया गया है। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ये बस टॉपिक कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर्स आर द ड्राइवर्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को चलाने वाले ड्राइवर बोला गया है एंटरप्रेन्योर को। दे कंट्रीब्यूट टू थिंग्स सच एज नेशनल एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन, सोसाइटी बिल्डिंग, कम्युनिटी एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये हर एक चीज में हेल्प करते हैं। देखो अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें काफी पर्सन काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगी, सोसाइटी बनेगी आपकी, कम्युनिटी बनेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पैसों में ग्रोथ होगी, सब कुछ एक पर्सन के अंदर आ जाता है। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज दैट क्रिएट सोशल बेनिफिट्स फॉर अ कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जो सोशल बेनिफिट्स देता है कम्युनिटी को। दे कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, बिजनेस इज एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन,
अपने नेशन को कंट्री को डेवलप करने के लिए वेलफेयर मतलब कि करता है, मतलब उसको हेल्प करता है ताकि हम ग्रो कर सके, हमारी कंट्री को हेल्प करता है। जब बिजनेस होगा, बिजनेस अच्छे से चलेगा, अच्छे से मनी हमारी बनेगी, ग्रो करेगी, तो नेशन को भी तो उसका फर्क पड़ता है ना, नेशन भी डेवलप होता है, ग्रोथ होती है उसकी। अ बिजनेस पर्सन अपार्ट फ्रॉम मेकिंग मनी ऑल्सो हेल्प द सोसाइटी फाइनेंशियली एंड सोशली। बिजनेस पर्सन अपने लिए पैसे तो बनाता ही है, पर वो हमारी सोसाइटी की भी हेल्प करता है, कंट्री की भी हेल्प करता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो सोशली। देखो ये एंटरप्रेन्योरशिप है, कितने पर्सन इसके साथ काम करेंगे तो कितनी चीजों का इफेक्ट पड़ता है एक एंटरप्राइज शुरू होने से। नेक्स्ट आता बेटा, हाउ डज एन एंटरप्रेन्योर हेल्प द सोसाइटी, सोसाइटी को कैसे हेल्प करता है। थोड़े से पॉइंट इसके पढ़ते हैं। डोनेशन, जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो चैरिटी में बहुत पैसे देते हैं ताकि हमारी कंट्री ग्रो कर सके, सोसाइटी ग्रो कर सके। आपने देखा ही होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी हैं, वो डोनेशन करते हैं कहीं ना कहीं, कोई एनजीओ वगैरह होते हैं हेल्प करते हैं पर्सन। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जो एनजीओ होते हैं चैरिटेबल होते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप वाले, फी वीवर्स वाले, ये सबको जो मेरिटोरियस स्कूल होते हैं, नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। तो ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कौन करता है, एंटरप्रेन्योर्स ही करते हैं जिनका बिजनेस अच्छे से चलता है। स्पॉन्सरशिप, कई पर्सन क्या करते हैं, सम बिजनेस पर्सन आल्सो स्पॉन्सर कैंडिडेट्स फॉर हायर एजुकेशन और फंड चिल्ड्रन इन एन ऑर्फनेज। कहते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर करते हैं, मतलब हमारी तरफ से आप पढ़ो, एंड कई चिल्ड्रन को फंड भी देते हैं, ऑर्फनेज मतलब अनाथालय में फंड देते हैं, एंड कई ऑर्फनेज होम फॉर द डेस्टिट्यूट एंड बैक्ड बाय दीज बिजनेस पर्सन। कई बिजनेस पर्सन इनको मतलब अपने ऊपर ले लेते हैं, इनका सारा खर्चा स्पॉन्सरशिप करके भी हम ही इनका सारा कुछ चलाएंगे। वेलफेयर प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जो काफी बच्चों को हेल्प करते हैं, जैसे कोई मेडिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई क्लोथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ब्लैंकेट्स को डोनेट कर रहा है, ऐसे कई प्रोग्राम है जो इनकी तरफ से लगाए जाते हैं। एडवर्टाइजर्स टू रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, मैनी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन की बात हो गई जो पूरे सक्सेसफुल है, लाइक रतन टाटा हो गए, आपके मुकेश अंबानी हो गए, ऑल्सो पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज टू प्रमोट द वेलबींग ऑफ द सिटीजन। ये गवर्नमेंट एक्टिविटीज को भी प्रमोट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफन सीक्स देयर एडवाइस ऑन सर्टेन सोशल इश्यू एंड आस्क फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज अ पार्ट ऑफ CSR, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते ऐसे पर्सन इन चीजों में भी हेल्प करते हैं, जैसे कोई भी पार्टिसिपेशन हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ये पर्सन को गवर्नमेंट इन्वॉल्व करती है ताकि उनकी जो स्कीम्स हैं या उनकी जो प्रमोशन है ताकि ये पर्सन कर सके। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्लियर हो गया होगा। आज हम इतना ही करेंगे, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट जो भी हमारा रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।